जी अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स के चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और न्यूमेरिकल है हमारे पास 7.7। हाँ जी, 7.7 स्टेटमेंट देखें। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ अ बोर्ड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। डायमेंशंस बताइए पूरे ब्लॉक की। उसके बाद एंड मास ऑफ 1000 ग्राम स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। फाइंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक। ब्लॉक का प्रेशर क्या करना है, फाइंड करना है। एंड डेंसिटी ऑफ द वुड, एंड वुड की डेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन डाटा जो है वो उसकी डायमेंशन दी हुई है, जो कि वॉल्यूम की डायमेंशन है हमारे पास। वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी दी हुई है आपके पास, 20 सेंटीमीटर। हाइट है उसकी, लेंथ कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है उसकी, 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1000 ग्राम मास गिवन है उसका, मास कितना है आपके पास 1000 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास फाइंड करना है आपने प्रेशर, प्रेशर जो है वो फाइंड करना है। उसके अलावा आपने डेंसिटी जो है उसकी वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। वुड की डेंसिटी जो है वो आपने बतानी है कि कितनी है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू प्रेशर का फार्मूला क्या है आपके पास, प्रेशर इज इक्वल होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ जी, ये हाइट है आपके पास, ये लेंथ है, ये विड्थ है। एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इनटू विड्थ के। हाँ जी, एरिया इज इक्वल टू होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। हाँ जी, एरिया बताइए कितना आ रहा है, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अगर आप इसे मीटर स्केल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास 56.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर माइनस 4 मीटर स्केल क्या आ जाएगा उसका एरिया। उसके अलावा उसमें आपके पास फोर्स है, फोर्स जो है वो उसका वेट होगा। फोर्स क्या होगी, उसका वेट होगा। फोर्स की कैलकुलेशन आप किस तरह से करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास एम जी। मास कितना है आपके पास 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को आप लिख सकते हैं 1 kg, क्योंकि 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम इक्वल होगा 1 kg के। 1 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कितनी है 10, आपके पास 10 न्यूटन क्या आ जाएगी उसकी फोर्स आ जाएगी, जो उसका वेट होगा। देन प्रेशर इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितनी है आपके पास 10, डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया कितना है 56.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर माइनस 4। यानी 10 को डिवाइड करें 56.25 से, 10 रेज की पावर माइनस 4 ऊपर जाके क्या आ जाएगा प्लस 4। प्रेशर पर यूनिट क्या होता है, पास्कल। यानी इसका कैलकुलेशन होता है 10 डिवाइडेड बाय 56.25, 0.17 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर प्लस 4 पास्कल क्या आ जाएगा आपके पास, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसे मजीद राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो आपके पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। अब इसको लिख सकते हैं 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर प्लस 3 पास्कल। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है आपके पास, मास ओवर वॉल्यूम। हां जी, मास गिवन कितना है आपके पास 1 kg या 1000 ग्राम आप कह लें उसको, 1 kg, kg में हम कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। वॉल्यूम कितना है आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, और आपके पास इसको ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब से आपने जाना है मीटर क्यूब के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर माइनस 6 भी आ जाएगा। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मल्टीप्लाई करवा के आंसर बताएं, 20 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 10 रेज की पावर माइनस 6 ऊपर जाके प्लस 6 हो जाएगा। हाँ जी, इसका आंसर बताएं, 20 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 1125 जी, 1125, तो रेट नंबर आ रहा है। हाँ जी, 1 डिवाइडेड बाय 1125 करें, 1 डिवाइडेड बाय 1125 8.88 10 रेज की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर प्लस 6 हमारे पास ऑलरेडी है।
एंड सॉल्व करें इसको 8.88 मल्टीप्लाई बाय 10 बेस की पावर क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा प्लस 2 एंड इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी जो है वुड की वो कितनी आ जाएगी आपके पास 888 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास वुडन ब्लॉक की जो है वो क्या आ जाएगी डेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास 7.8 है। 7.8 देखिए a cube of the glass 5 cm by side of mass 306 ग्राम एंड एक क्यूब एक ग्लास है हमारे पास। ग्लास की जो एक साइड है लेंथ उसने बता दिया कितनी आपके पास 5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने उसका मास बता दिया कितना आपके पास 306 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट जो है हैज अ कैविटी इनसाइड इट। उसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी कहते हैं खाली स्पेस को। किसको कहते हैं? खाली स्पेस को। इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास, ग्लास की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द ग्लास, ग्लास की डेंसिटी कितनी है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। कैविटी का वॉल्यूम क्या करना है आपने फाइंड करना है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी क्या करना है आपने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द कैविटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका मास ऑफ द कैविटी क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारे पास टोटल मास है। पहले आप ग्लास का मास फाइंड करेंगे, उस टोटल में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास मास ऑफ द कैविटी आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इक्वेशन, डेंसिटी इक्वेशन क्या आपके पास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर क्या है वॉल्यूम। एंड ये मास आपने फाइंड करना है, डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है आपके पास 2.55 मल्टीप्लाई बाय उसने साइड बता दी है 5 क्यूबिक है। क्यूब में एक साइड की लेंथ क्या होती है सेम होती है। आपके पास लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट क्या हो जाएगा आपके पास 5 का क्यूब। एंड द मास इज इक्वल टू 2.55 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब आ जाएगा 125। एंड 125 को 2.55 से मल्टीप्लाई करें 318.75 ग्राम आपके पास मास आ जाएगा किसका ग्लास के लिए। अब मास ऑफ द कैविटी, मास ऑफ कैविटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास टोटल मास आ गया आपके पास कितना है 318.75 माइनस ग्लास का मास कितना है आपके पास 306 एंड मास ऑफ कैविटी एंड माइनस करें इसको कितना आ रहा है आंसर 318.75 माइनस 306 12.75 ग्राम मास ऑफ द कैविटी आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कैविटी फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इक्वेशन। डेंसिटी इज इक्वल टू द मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है, मास ओवर क्या आ जाएगा डेंसिटी। हां जी कैविटी की, कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैविटी का मास लेंगे। हां जी कैविटी का मास कितना आपके पास 12.75 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द ग्लास कितनी आपके पास 2.55। हाँ जी 12.75 को डिवाइड करें 2.55 पे 5 और इसका यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारी कैलकुलेशन जो है वो ग्राम और सेंटीमीटर में थी। आपके पास वॉल्यूम जो है कैविटी का वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद 7.9 न्यूमेरिकल देखें। 7.9 है एन ऑब्जेक्ट हैज अ वेट ऑफ 18 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है 18 न्यूटन है इन एयर। एयर के अंदर उसका वेट कितना है 18 न्यूटन। वेट इन एयर 18 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट जो है इट्स वेट फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप वाटर के अंदर डिस्प्लेस करते हैं या डिस्पर्स करते हैं उसका वेट क्या हो जाता है कम हो जाता है, उसके वेट में लूज आ जाता है। किस तरह से अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से उसके वेट में लॉस आ जाएगा और वेट जो है इन वाटर एयर फॉर ए फॉर एयर डब्ल्यू फॉर वाटर वेट जो है वाटर के अंदर कितना है 11.4 न्यूटन। वेट जो है वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ड्यू टू अप थ्रस्ट फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड कैलकुलेट इट्स डेंसिटी कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपने उसकी डेंसिटी क्या करनी है ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट करनी है और डेंसिटी की रेंज देखकर आपने बतानी है कि भी मटेरियल जो है वो कौन सा है। हां जी डेंसिटी का टेबल जो है मैंने आपको बताया था कि भी आप लोगों ने याद करना है। हां जी उस डेंसिटी के टेबल अगर आपको याद है तो आप डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करके आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास
जो ऑब्जेक्ट जो है वो किस डेंसिटी पे है। हां जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल फाइंड करने का क्या फार्मूला था आपके पास, डेंसिटीज की रेशियो जो थी उनकी वेट के रेशियोस की क्या थी, इक्वल थी। हां जी, डेंसिटीज की रेशियो कितनी है आपके पास, डेंसिटीज जो है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय वेट ओवर वेट ऑफ द वेट इन वाटर वेट इन एयर वेट इन वाटर मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपके पास, रो। यानी बेसिकली जो आपके पास वेट इन लिक्विड है वो आपके पास ऑब्जेक्ट का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने क्या लेना था, लिक्विड का वेट, क्या लेना था, लिक्विड का वेट। तो उसमें जो रेशियो है वो आपके पास क्या रहेगी, एक्चुअल वेट वेट ऑफ एयर माइनस क्या रहेगा वेट ऑफ वाटर, कि वाटर के अंदर और एयर के अंदर उसके वेट का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड जो उसको डिस्प्लेस करेगा, वेट ए माइनस वेट डब्ल्यू। हाँ जी, एयर के अंदर वेट एंड वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर उसका वेट। हाँ जी, डेंसिटी वाला हमने टॉपिक किया था उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूले की कैलकुलेशन की है। हाँ जी, गिवन वैल्यूज पुट करें इसके अंदर, वेट इन एयर कितना है आपके पास 18 न्यूटन डिवाइडेड बाय वेट इन एयर 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट है, हमें याद होनी चाहिए कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यहां पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में। हां जी, डेंसिटी डी इज इक्वल टू ऊपर रहेगा 18000 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 11.4 कितना रहेगा आपके पास 6.6। हां जी, 18000 को 6.6 पे डिवाइड करें18000 जी 27 27 27 27 kg per meter cube। ठीक है, तो आपके पास 2727 वो इसके नियर अबाउट है। इट मींस कि भी जो ऑब्जेक्ट उसने उसमें लिक्विड के अंदर इमर्स किया था वो कौन सा ऑब्जेक्ट था, एल्युमिनियम था। ठीक है, तो ये था हमारे पास 7.9। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।